अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 2.9 राइटिंग स्किल द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स। हम आज क्या पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स। A lone elephant wandered in the forest looking for friends. एक अकेला elephant कहाँ चल रहा था, forest में अकेला चल रहा था, looking for friends, किसके लिए, friends को ढूंढ रहा था। He met a monkey and asked, "Will you be my friend?" उसने किसको मिला, उसे कौन मिला, monkey मिला, और उसको उसने क्या बोला, क्या आप मेरे friends बनोगे। You are too big and cannot swing on trees as I do, so I cannot be your friend, said the monkey. Monkey ने क्या बोला, तुम तो बहुत बड़े हो and cannot swing on the trees, और तुम झाड़ों पे यहाँ वहाँ swing नहीं कर सकते, झूला नहीं झूल सकते हो, as I do, जैसा मैं झूलता हूँ, so I cannot be your friend, इसलिए मैं आपका friend नहीं बन सकता, said the monkey. The elephant then met a rabbit and asked him if he could be his friend. फिर वो किसको मिला, rabbit को, rabbit को बोला, क्या बोला उसको, उसको भी यही क्वेश्चन किया, if he could be his friend, rabbit को क्या बोला, if he could be his friend, तो rabbit ने क्या बोला, you are too big to fit inside my burrow, you cannot be my friend, तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम भी बहुत बड़े हो तुम, और तुम मेरे ब्रो में नहीं फिट हो सकते हो। ब्रो यानी उसका जो घर होता है, रैबिट का जो बिल होता है, उसको ब्रो बोला जाता है, तो तुम मेरे ब्रो में नहीं फिट हो सकते हो, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, रिप्लाई द रैबिट। रैबिट ने उसको क्या आंसर दिया, कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो। द एलिफेंट आस्क अ फॉक्स, एलिफेंट ने किसको बोला, फॉक्स को बोला, एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई। एलिफेंट ने फॉक्स को भी वही क्वेश्चन किया कि तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हैं, विल यू बी माई फ्रेंड, तो फॉक्स ने भी उसको वही आंसर दिया, डेट ही वॉज टू बिग, कि तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते हो। द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स वर रनिंग इन फियर, क्या कर रहे थे, सब एनिमल्स डर के भाग रहे थे। द एलिफेंट स्टॉप अ बियर एंड आस्क व्हाट वॉज हैपनिंग, द एलिफेंट स्टॉप अ बियर, बियर यानी भालू को रुकाया, एंड आस्क्ड और उसको पूछा, व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा है, एंड वॉज टोल्ड डैट अ टाइगर हैज़ बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स, कि उसने क्या बोला, कि एक टाइगर है, वो क्या कर रहा है, सबको मार रहा है, सब उसको अटैक कर रहा है, सब एनिमल्स को अटैक कर रहा है। द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स, ही वेंट टू द टाइगर, मतलब उसने क्या किया, उसने बोला कि अभी कि हम लोग को क्या कर रहा है, कि वो अटैक कर रहा है, इसलिए सब जन भाग रहे हैं। द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव, वो क्या करना चाहता था, सेव करना चाहता था, सारे एनिमल्स को बचाना चाहता था जो कमज़ोर है। ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड, प्लीज़ सर लीव माई फ्रेंड अलोन, वो उसके पास गया, किसके पास गया, टाइगर के पास, और बोला लीव माई फ्रेंड्स अलोन, हमारे फ्रेंड्स को छोड़ दो। टाइगर आई डिड नॉट लिसन, और उसने नहीं लिसन किया, उसने सुना नहीं। देखो कैसे एलिफेंट जब एनिमल्स को पकड़ रहा है, तो एलिफेंट क्या किया, उसके पास गया और उसको बोला कि मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। द टाइगर डिड नॉट लिसन, और टाइगर ने नहीं सुना। सीइंग नो अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द एलिफेंट, तो एलिफेंट को गुस्सा आया और बोला कि अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ऐसा उसने सोचा और उसने क्या किया, टाइगर को क्या किया, एक जोर से किक दिया, किक द टाइगर एंड स्केयर इट अवे, और उसको जोर से किक करके उड़ा के फेंक दिया। एलिफेंट देन वेंट बैक टू द अदर एनिमल, देखो कैसे फेंक दिया उठा के, उसके बाद एलिफेंट देन वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स, एलिफेंट कहाँ गया, उसके बाद दूसरे एनिमल्स के पास गया, एंड टोल्ड देम व्हाट हैड हैपेंड, और उसने बताया कि क्या हुआ, किस तरह उसने
टाइगर को मार के भगा दिया. आफ्टर लिसनिंग द एलिफेंट एनिमल्स एग्री टुगेदर एंड सेड यू आर जस्ट दिस राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड. एलिफेंट, जैसे एलिफेंट ने ये सब बातें बताया कि मैंने टाइगर को उठा के फेंक दिया किक मार के, तो सारे एनिमल ने क्या डिसाइड किया कि एक साइज ये नहीं मैटर नहीं करती, एक राइट साइज एक मैटर नहीं करती एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं. तो कैसी भी साइज के हम लोग फ्रेंड बना सकते, यानी बड़े छोटे, अगर हमसे बड़े हैं उम्र में तो हम उसको भी फ्रेंड बना सकते, अगर छोटे हैं तो भी फ्रेंड्स हमको बना सकते, तो कोई साइज मैटर नहीं करती. तो मॉरल क्या है स्टोरी, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप एंड साइजेज. जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हर शेप और साइज में हमको उसको एक्सेप्ट करना है. इस तरह सारे फ्रेंड्स क्या हो गए, सारे एनिमल्स क्या हो गए, एक दूसरे के फ्रेंड्स हो गए. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया लेसन सॉरी स्टोरी. ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय.